कल जब मैं अपने चैनल को खोल करके मेरे वीडियोस की लिस्ट चेक कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत दिन हो गया यार कोई थ्योरी वीडियो नहीं दी तुम्हें, और इसी वजह से आज सुबह मैंने ये वाला कम्युनिटी टैब पोस्ट किया था। वैसे तुम सबका जो सपोर्ट है वहां पर वोट जिस हिसाब से दिया है उसको देख के साफ साफ मालूम पड़ता है तुम सब थ्योरी के भूखे हो। तो यार आज का वीडियो होगा थ्योरी से रिलेटेड, पूरा वर्ल्ड सेंचुरी से लेके वन पीस के वर्ल्ड की स्पीसीज को लेकर के सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले हम बात करेंगे वन पीस के वर्ल्ड यूनिवर्स जो कहना चाहो कह लो उससे रिलेटेड, और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे आखिर क्यों जो निका या फिर कह लो जॉय बॉय कह लो या फिर सन गॉड निका कहो, ये वन पीस का एक्चुअल गॉड है, वो जो है हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो यार वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले तो यार जो कि ज्यादातर वन पीस फैंस का मानना है, वन पीस के वर्ल्ड में पहले के टाइम पे 8 मून्स हुआ करते थे, क्या ये बात सच है? अब देखो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कहीं पर भी मांगा में लिखा हुआ नहीं है कि पहले के टाइम पे वन पीस का जो अर्थ है उसके 8 मून्स हुआ करते थे। ये जो 8 मून वाला थ्योरी है ये एक्चुअली अंग्रेजों ने कह लो या फिर जापानीज वालों ने, जो लोग मांगा रीडर्स थे पहले के टाइम पे, इस वाले पैनल को देख करके ये थ्योरी बनाया था। और ये बनने के बाद ना काफी ज्यादा ये वाला थ्योरी फेमस हो गया था, जिस तरह से जॉय बॉय एक जायंट है उस तरह से। और इसी के कारण ज्यादातर वन पीस फैंस यही सोचते हैं कि सच में वन पीस के वर्ल्ड में 8 मून्स हैं। अब देखो क्या ये बात सच है? मैंने जब इस फोटो को ध्यान से देखा तो यहाँ पर साइड में जरा तुम गौर करना, ये वाला प्लैनेट कहो या मून कहो और इसके बगल में जो मून या प्लैनेट जो भी है, क्या देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला प्लैनेट है और ये उसका मून है? प्लस ये वाला जो मून है और ये वाला जो मून है, ये दोनों एक ही ऑर्बिट में वन पीस के प्लैनेट या कह लो वन पीस का जो अर्थ है उसके चक्कर काट रहे हैं, और ये वाला मून और ये वाला मून भी वही सेम चीज कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट पे चक्कर काट रहे हैं। और इधर देखो ये वाला भी सेम चीज, ये दोनों भी वही कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट में रह के वन पीस के अर्थ के चक्कर काट रहे हैं। अब देखो जैसे हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में सूरज से बाकी प्लैनेट्स निकले हैं अलग होकर के, और उन प्लैनेट से निकल करके और भी छोटे छोटे मून्स निकले हैं। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जो सूरज से निकले हुए प्लैनेट्स हैं वो सूरज के मून्स हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उनसे निकले हुए जो वो छोटे छोटे मून्स हैं वो उसके मून्स हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधे भाषा में कहूँ तो ये कहना कि वन पीस के वर्ल्ड में पहले के टाइम पे एक से ज्यादा मून हुआ करते थे, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि वन पीस के वर्ल्ड में पहले के टाइम पे 8 मून हुआ करते थे, ये गलत है, बिकॉज ये वाला सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये देख के ही साफ साफ लग रहा है कि ये वाला जो है इसका मून है। अब हम थोड़ा साइड हटते हैं और फोकस करते हैं वन पीस के प्लैनेट पर, वन पीस के अर्थ पर। और हाँ, बैकग्राउंड में अगर तुमको फटाके का आवाज आ रहा है तो उसको जो है इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ के बच्चों ने ठेका ले रखा है कि भाई दिवाली आने से पहले ही दिवाली मनाएंगे, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर जरा तुम गौर करना, वन पीस के वर्ल्ड में ये वाला रेड लाइन है जो कि ऊपर से नीचे की ओर सर्कल वे में वन पीस के वर्ल्ड को अलग करता है, पर बीच से ग्रैंड लाइन अलग करती है, ये हम सबको पता है। वैसे ये वाला पार्ट अगर तुमको समझ में नहीं आया, रेड लाइन क्या है, ग्रैंड लाइन क्या है, वन पीस का वर्ल्ड कैसा है, तो तुम जाकर के मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर हमें रेड लाइन दिख रहा है, लेकिन ग्रैंड लाइन कहाँ है? ये वाला देख सकते हो, लाइन में आइलैंड्स है बीच में सर्कल वे में, बट यहाँ सिर्फ आइलैंड्स है, बट काम बेल्ट कहाँ है? बिकॉज हम सबको पता है ग्रैंड लाइन में काम बेल्ट है अगल बगल, जहाँ पर राज चलता है सी किंग्स का, पर इस प्लैनेट में हमें नहीं दिखाई दे रहा। मतलब समझ रहे हो, पहले के टाइम पे काम बेल्ट नहीं हुआ करता था। और इससे क्या निकल के सामने आता है, कोई भी उस टाइम पे किसी भी साइड से किसी भी प्लैनेट में घुस सकता था, और ये शायद उस टाइम पे होता होगा जब वर्ल्ड सेंचुरी का इतिहास था, मतलब वर्ल्ड सेंचुरी से पहले के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जब काम बेल्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। अब देखो अभी करंट में वन पीस के वर्ल्ड में सिर्फ 1 मून है,
मतलब ये कि बाकी के जो मून्स है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जिसके चलते हो सकता है उस मून्स में जो प्रजातियां रहती थी। अब देखो वन पीस का वर्ल्ड में अलग अलग प्रजाति रहती है, फिशमैन है, जायंट है, स्काइपियंस है और भी बहुत कुछ, बहुत सारे प्रजाति है। तो जब वो वाले मून्स डिस्ट्रॉय हुए तो वो सब प्रजाति जो है ना वो इस वन पीस के अर्थ पे आ गए। अब देखो मेरे को जहां तक लगता है फिशमैन जो है वो इसी वर्ल्ड में रहते थे, वन पीस के अर्थ में ही पहले से रहते थे, बिकॉज ये पानी में रहने वाले जीव है और वन पीस का वर्ल्ड जो है 90% पानी से भरा हुआ है, तो हो सकता है फिशमैन पहले से ही यहाँ पे रहते थे। अब हम आते हैं स्काइपिया में, जहां पर इस बुड्ढे ने कहा था इन द पास्ट वॉरियर्स के पास रीजंस होते थे फाइट करने के लिए, प्लस ये भी कहता है ये द अर्थ हैड नेवर रिजेक्टेड एनीवन, इट वाज अस हु रिजेक्टेड ईच अदर। मतलब क्या निकलता है, जब ये सारे अलग अलग प्रजातियां मून्स या प्लैनेट जो कहना चाहो कह लो वो जब डिस्ट्रॉय हुए तो ये सारे अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए, और ये सब जब आए ना तो ये सब ये कहने लगे ये अर्थ मेरा है, ये अर्थ मेरा है। इसी चक्कर में ये सब आपस में ही लड़ते थे। अब हम आते हैं रॉब लूची के उस वाले लाइन पे जहाँ पर उसने चैप्टर 907 में कहा था द सेलेस्टियल ड्रैगन आर द गॉड्स हु created this world। मतलब ये कि जो celestial dragon है वो god है यहाँ के, उन्होंने इस दुनिया को create किया है। Plus हमेशा देखना ये जो 5 elders है balance balance चिल्लाते रहते हैं, आई मीन इनको वर्ल्ड में बैलेंस चाहिए, पर ऐसा क्यों? मतलब अगर बैलेंस बिगड़ा तो चारों तरफ फिर से लड़ाई होने लगेगा। यहाँ पे तुम सोच रहे होगे फिर तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वर्ल्ड को बैलेंस करके, बट ऐसा नहीं है। पहली बात तो इन लोगों ने क्या किया, आगे जाके फ्यूचर में लड़ाई ना हो इसलिए सबको अलग अलग कर दिया। यहाँ तक तो काम सही किया एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन खुद को सुप्रीम एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट किया। एग्जाम्पल के तौर पे सेलेस्टियल ड्रैगन को ले लो, ये जब चाहे तब किसी को भी पकड़ के अपना स्लेव बना देते हैं, इनको जो मन करता वो करते हैं, किसी को भी साला गोली मार देते हैं। अगर इन्हें कोई कुछ करता है भाई पीछे एडमिरल पड़ जाएगा। मतलब सीधे भाषा में अगर हम कहें तो हमें जो मन करेगा वो हम करेंगे, तुम अपनी नहीं कर सकते। हम यहाँ के गॉड हैं, तुम यहाँ के गुलाम हो। हम यहाँ के गॉड क्यों हैं? बिकॉज हमने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, और कैसे क्रिएट किया है किसी को नहीं पता, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सेलेस्टियल ड्रैगन ये बात सोचते हैं। अब हम आते हैं जॉय बॉय के ऊपर या कह लो निका के ऊपर, इसका क्या मानना है? हम सब आपस में दोस्त हैं, लूफी उसी तरह से कर रहा है, देखो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तुम उसको देखना सबके साथ एक तरह से रहता है, वो जो भी गुलाम रहता है उसको आजाद करवाता है, और हम सभी को पता है एट द एंड वो वॉर लाएगा। खैर निका के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, और यहां पर कुछ चीजें हैं जो छूट गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया यार लाइक मारो, चैनल पे नए आ गए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और इस वीडियो में तगड़ा वाला सपोर्ट दिखाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, जल्दी से जल्दी 1000 फॉलोवर करवाओ, सबके हो रखे हैं खाली मेरे नहीं हो रहे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।